कुश्ती संघ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस पर राजनीति भी चरम पर हो रही है। पक्ष विपक्ष पहलवानों के मुद्दे पर सियासी रंग देने पर तुला है और पहलवानों की तरफ से एक के बाद एक पुरस्कार लौटाने की घोषणाएं हो रही हैं। बजरंग पुनिया के बाद विनेश फोगाट ने भी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने की घोषणा की है। इस पर हर कोई अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहा है। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व रेसलर बबीता फोगाट ने पुरस्कार वापसी मामले पर टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। कैमरे से बचते हुए सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि वो समय आने पर ही जवाब देंगी। पहलवानों का जो मामला चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, यही कहूंगी कि भारत सरकार का जो निर्णय है, जो खेल मंत्रालय की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, बहुत उचित निर्णय है और बहुत सही निर्णय लिया गया है। और टाइम टू टाइम जो है खेल मंत्रालय इस चीज को देख भी रहा है और ये जो भी उसके ऊपर फैसले ले जा रहे हैं, तो वो सब खेल मंत्रालय का हम धन्यवाद करेंगे कि इतना अच्छा फैसला हमारे खेल मंत्रालय ने लिया है और इसके ऊपर विचाराधीन सब कुछ चीजों को देखते हुए इसका आकलन कर रहे हैं। देखिए, WFI के ऊपर जो खेल मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है, बहुत उचित निर्णय लिया है और इसके लिए हम खेल मंत्रालय का धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। और WFI के ऊपर जो भी निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय आएगा, सही मुझे लगता है कि सबको न्याय मिलेगा और सबके साथ न्याय होगा। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान साक्षी मलिक द्वारा कुश्ती से संन्यास लेने के बाद बजरंग पुनिया द्वारा अपना पद्मश्री वापस कर दिया गया था, जिसके बाद खेल मंत्रालय द्वारा भारतीय कुश्ती संघ की नई कार्यकारिणी को रद्द कर दिया गया। इसी बीच बबीता की चचेरी बहन विनेश फोगाट ने मंगलवार देर शाम ट्वीट करते हुए ध्यानचंद खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड वापस करने की घोषणा की। विनेश ने स्पष्ट कर दिया कि साक्षी और बजरंग ने जिन हालातों में फैसला लिया है, उसी के अनुरूप वो अपना निर्णय लेती हैं। ट्वीट में विनेश ने लिखा था कि वो फैसला इसलिए ले रही हैं क्योंकि वो समाज में सम्मानपूर्ण रहना चाहती हैं। बहरहाल, बबीता फोगाट ने दादरी में आयोजित एक कार्यक्रम में विनेश सहित अन्य पहलवानों के फैसले को लेकर बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और सिर्फ इतना ही कहा कि खेल मंत्रालय का सही समय पर सही निर्णय आएगा और खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा।